फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ आपकी अपनी किंको गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन। वैसे तो अभी तो मेरी स्किन से क्लियर ही लग रही है, बट ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ओके, तो बने रहिए, देखते हैं मैं अपने वीकली स्किन केयर रूटीन में क्या क्या ऐड ऑन करती हूँ और अपनी स्किन को कैसे प्रेप करती हूँ। तो चलें आगे, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये खुले बालों को पहले बांध ही लें, वरना इन पे भी ये भी वॉश हो जाएंगे मेरे फेस वॉश के साथ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को ऐसे टाई अप कर लेती हूँ रबर बैंड से। तो अच्छे से टाई अप कर लो, प्लीज़ मेरे बालों पे ध्यान ना दें ऐसे उड़े उड़े से हो रहे हैं, वैसे भी पता नहीं क्यों बहुत हल्के हो गए हैं। तो मैंने अच्छे से अपने बाल बांध लिए हैं और अब मैं करूँगी फेस वॉश। सो गाइस, बाल मैंने अच्छे से टाई अप कर लिए हैं और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ फेस वॉश। और फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्ड्स का एक्टिवेट चारकोल फेस वॉश। और ये फेस वॉश मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमारे फेस से अच्छे से डस्ट निकाल देता है और जितने भी ऑयली नहीं हो जाता फेस, वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो आप भी एक बार इस फेस वॉश को जरूर ट्राई करके देखना, मेरा तो फेवरेट है ये। सो गाइस, फेस वॉश का टेक्सचर कुछ इस तरह से होता है, इसे चारकोल कलर का ही होता है। अब मैं इसे जल्दी से अपने फेस पे लगा लेती हूँ और अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप देख सकते हैं फटाफट से फेस वॉश हो जाएगा। ओके गाइस, ये फेस वॉश मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। अब मैं इसे जल्दी से पानी से वॉश करके आती हूँ, फिर देखना आप मेरा फेस कैसा हो जाए। सो गाइस, मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब अच्छे से इसे टॉवल से पोंछ लूंगी और इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, गैस करो, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्क्रब। तो आओ देखते हैं स्क्रब के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। सो गाइस, स्क्रब के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस स्क्रब। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है और ये फेस स्क्रब तो मेरा फेवरेट है। पता नहीं है मैं कितने ट्यूब यूज़ कर चुकी हूँ, बट इससे एकदम क्या बताऊँ, एकदम हल्दी वाला ही निखार आ जाता है इसको यूज़ करके। और ये स्क्रब से एकदम जितने भी ब्लैक हेड्स और ये सब है ना, सब कुछ हट जाते हैं और फेस में ना एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है। तो आप भी देखना चाहोगे इस फेस स्क्रब को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो देखते हैं। तो मैंने ये इतना सा स्क्रब लिया, आप देख सकते हैं, और इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे स्किन को एकदम डीप क्लीन कर देंगे और स्क्रब से आपके ब्लैक हेड्स ये सब अच्छे से हट जाएंगे। बस इसे अपने फेस थोड़ा सा पहले फेस को वेट कर लेना और फिर अच्छे से स्क्रब को ऐसे लगाना और इसे जेंटल तरह से ऐसे ऐसे थोड़ा करना, तो आपके फेस एकदम क्लीन हो जाएगा और आपकी जो स्किन है ना वो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी, आप खुद ही फील करोगे। तो मैं इसे अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ अपने फेस को। सो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्क्रब बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है, मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश भी कर लिया है। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है, अब आपको क्या करना है, अच्छे से अपने फेस को एकदम टॉवल से पोंछ लेना है और ध्यान रखना है कि जो टॉवल आपकी क्लीन होनी चाहिए। तो मेरी भी क्लीन है तो अच्छे से मैंने इसे पोंछ लिया है। अब हम नेक्स्ट थिंग क्या यूज़ करने वाले हैं, गेस करो। अब हम लगाएंगे फेस मास्क। फेस मास्क क्या होता है, वो आपके फेस से सारी जो इंप्योरिटी है ना आराम से निकाल देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यार फेस मास्क के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का उपटन। आप देख रहे होंगे मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस मास्क है, क्योंकि सबसे अच्छी बात इसमें सारी ये उपटन वाली खूबी है। और उपटन क्या करता है, आपकी स्किन को, मतलब आपकी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है ना उसको भी इन्हेंस करता है, मतलब उसको और ब्राइटर करता है और आपकी स्किन को जैसे क्लीन करता है। और इसमें हल्दी और वो सब चीज़ें हैं, मतलब टर्मरिक है, सेफ्रॉन है, तो ये सब चीज़ें क्या करती है आपकी स्किन को और अच्छा बनाती है, लाइटन बनाती है, ब्राइटन बनाती है। तो अच्छे से हम फिर इस फेस मास्क को लगा लेते हैं। ओके, तो पहले मैं दिखा देती हूँ कैसा आता है अंदर से। तो ये फेस मास्क कुछ इस तरह का आता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लग रहा है ना उपटन वाला। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैं अपने फिंगर से ही लगा लूँ। तो ऐसे धीरे धीरे पूरे फेस पे मैं अच्छे से लगा लूँगी। और इसको आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे रखना है, और जब आपको लगे कि ये सूख गया है तो फिर आपको फेस वॉश कर लेना है और आपको अच्छे से पूरे फेस पे लगाना है। और इससे भी आपके फेस की टैनिंग काफ़ी सही हो जाती है, और गर्मी तो आ गई है और टैनिंग भी, गर्मी के साथ साथ टैनिंग तो जैसे फ्री में ही आती है। तो हो सके तो आप ये चीज़ें जरूर परचेज कर लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, मास्क लगा चुकी हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब हम यूज़ करेंगे फेस सीरम। हेयर का क्लीन अप तो हो चुका है और अब हमें यूज़ करना है फेस सीरम। और फेस सीरम के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला फेस सीरम, एज यू कैन सी, और ये है लॉरियल का ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम। और ये सीरम मेरे को तो काफ़ी पसंद आया, वैसे मैंने अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, एक दो बार यूज़ करा है। तो चलो अब इसको यूज़ करते हैं, इस फेस सीरम को। तो ऐसे हमें थोड़ा सा लेना है। तो ये सीरम जो है आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो आप इसे अच्छे से ऐसे अपने फिंगर से पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। तो ये सीरम आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, डे में एंड नाइट में। तो ये आप अपने स्किन केयर, डेली स्किन केयर रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं इस फेस सीरम को, काफ़ी अच्छा सीरम है ये। और जो ये ग्लाइकोलिक एसिड होता है ये आपके फेस को ब्राइट करने में हेल्प करता है। वैसे अच्छे से मैंने ये सीरम यूज़ कर लिया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्किन थोड़ी ग्लोई ग्लोई हो गई है। और अब इसके बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत लाइट है और इजीली ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, वैसे चिपचिपा चिपचिपा सा फील नहीं होता। वैसे मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो ऐसे थोड़ा सा, मतलब हैवी मॉइस्चराइजर मुझको चल जाता है, बट मैं पर्सनली ये थोड़ा लाइट मॉइस्चराइजर प्रेफर करती हूँ। ऐसे करके मैंने अपनी फिंगर से पूरे फेस पे लगा लिया है और अब मैं इसे अच्छे से पूरे फेस पे लगा लूँगी।
तो गाइस एज यू कैन सी मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है, ग्लोई हो गया है और मैंने अच्छे से अपने स्किन को प्रेप कर लिया है। तो आप भी ऐसी स्किन का ध्यान रखिए। और लास्ट स्टेप कौन सा रह गया, अब हमें लिप्स की भी तो केयर करनी है। तो लास्ट स्टेप है लिप बाम। लिप बाम के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, वैसे इसका ही प्रिंट हट चुका है बट मैं आपको बता देती हूँ, लैक्मे का लिप बाम है और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये थोड़ा टिंटेड लिप बाम है, पर्सनली मुझे टिंटेड लिप बाम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लिप्स की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ मैं अपने बाल ओपन कर लेती हूँ। गाइस मेरा एकदम स्किन केयर हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम अच्छे से ग्लो कर रही है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और फॉलो फॉर मोर।